ये जो मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया है ये एप्लीकेशन की वजह से नहीं है, ये तो वो वजह है जो कि किसी को समझ नहीं आती कि ये क्या वजह है। एक शरीफ चला गया, दूसरा शरीफ आ रहा है, दूसरे को भेजोगे तीसरा शरीफ लाएंगे, तीसरे को भेजोगे चौथा शरीफ लेके आएंगे। मैं आसिफ जरदारी आपको भी पैगाम दे रहा हूं कि आसिफ जरदारी इसके बाद तुम्हारी बारी। अगर इमरान खान ये समझता है कि उसकी यहाँ विक्ट्री हुई है, उस विक्ट्री में मैं समझता हूँ कि 70% पीपल्स पार्टी का हाथ है, कोर्ट के जाने का क्रेडिट देना है तो फिर सिराजुल हक को दिया जाए। नायल जिन्होंने होना था उनमें से सिर्फ एक अभी हुआ है, गॉडफादर 2 नायल होगा। एलएनजी प्राइम मिनिस्टर 45 रोज पे ठेके पे दिया जा रहा है कतर को, उसके मफादात के तहफ़ के लिए, वो भी नायल है। कि चोरों का सारा टबर चोरी में दरियाफ्त हो चुका, मुलविस हो चुका, पकड़ा भी जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफ़साल। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की ताहयात नाअहली के बाद कहीं पर उनकी जमात की जानिब से रैलीज़ निकाली जा रही हैं और कहीं पर पॉलिटिकल पार्टीज़, अपोजिशन की पार्टीज़ जो हैं, जिनमें खसूसन PTI का अगर हम जिक्र करें तो कल उनकी तरफ से यौम तशक्कुर भी मनाया गया। आज भी वज़ीर आज़म साहब का जो अभी प्रोग्राम के आगाज़ में आपने शॉर्ट सुना, उसमें वो यही बात कर रहे थे कि उन्हें नहीं समझ आ रही कि ये नाअहली कैसी हुई है, किस बुनियाद पर हुई है, और यही सवाल पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के तमाम लोग ही करते नज़र आ रहे हैं। और ख़ुसूसन वो ये बात करते हैं कि पैनमा का सफ़र था, एक करप्शन केस का आगाज़ था, और बात जो ख़त्म हुई है इकामा पर, तो वो कैसे हुई है। तो आज प्रोग्राम में इस हवाले से भी थोड़ी तफसीलन बात करेंगे। और एक और चीज़ कि अब क्योंकि वो जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ना है और इन हाउस चेंज आना है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की तरफ से दिया गया है नए वज़ीर आज़म के तौर पर, जब तक शहबाज शरीफ साहब नहीं आते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने तो कहा कि एक शरीफ जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा, तीसरा जाएगा तो चौथा आएगा। तो जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, क्या वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के जाने के बाद ख़त्म होती नज़र आ रही है? क्या पार्टी पर असर व रसूख जो उनका था वो शहबाज शरीफ साहब भी रख पाएंगे जब वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे? ये भी अहम नुक्ता है इस हवाले से। अपोजिशन जमातों का मुत्तफिका उम्मीदवार वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए लाने पर इत्तफाक नहीं हो सका। आज खुर्शीद शाह ने, नवीद कमर ने, शेख रशीद साहब ने, इन तमाम लोगों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, लेकिन बहरहाल कल एक बार फिर इसी तरह की बैठक होगी और कोशिश की जाएगी कि कहीं ना कहीं मुत्तफिका उम्मीदवार जो है अपोजिशन जमातों की तरफ से लाया जा सके। अब जो तमाम चीज़ें यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं वो भी अपनी जगह, लेकिन जो बैनुल अक्वामी जरीदे हमें, आलमी जरीदे लिखते नज़र आ रहे हैं, वो भी काफ़ी अहम है। अब इस फैसले को मैं आपके सामने रखूँगी। वॉशिंगटन पोस्ट का ये एडिटोरियल है जिसमें ये बात की गई है, द आउस्टर इन पाकिस्तान इज़ एक्चुअली अ ग्लिमर ऑफ होप, ये वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है। और उन्होंने ये लिखा है कि ये एक अलग, एक और चैप्टर है पाकिस्तान के अंदर अगर इस हवाले से बात करें। और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ऑन ग्राउंड्स दैट ही हैड लाइड टू द नेशन अबाउट हिज फैमिलीज वेल्थ एंड फाइनेंशियल डीलिंग्स, ये शायद वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटोरियल में ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आ सके शरीफ ख़ानदान को कि क्या बुनियाद थी, किस बुनियाद पर उनको नाअहल करार दिया गया है। इसमें उसकी भी तफसीलात दर्ज हैं। और अगर हम आगे चलें तो इसमें बताया जाता है कि उनकी जो फैमिली की वेल्थ है, जो दौलत है, उस हवाले से सवालात रेज किए गए। और जो GIT बनी उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें शरीफ फैमिली के ऊपर जो चार्जेस थे वो परजरी, फोर्जरी एंड हाइडिंग एसेट्स के थे। और साथ ही साथ अब एक और चीज़ जो हमने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी देखी और अभी भी कही जा रही है कि जो मंसूबे हैं, जो तरक्याती मंसूबे हैं, खसूसन CPAC के हवाले से बात की जाती है कि उसको नुकसान पहुंचेगा, उस पर काम नहीं होगा। तो ये वॉशिंगटन पोस्ट में इसी हवाले से दो तीन लाइंस हैं जो आपके सामने रखूंगी। वो कहते हैं कि जी, व्हाटएवर द पॉलिटिकल आउटकम, पाकिस्तान सीम्स लाइकली नॉट टू बी शेकन फ्रॉम इट्स डिज़ायर फॉर क्लोजर रिलेशंस विद चाइना, विच इज़ पोरिंग $50 billion इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एज पार्ट ऑफ इट्स अटेम्प्ट टू बिल्ड अ मैसिव ट्रेड रूट। पाकिस्तान मिलिट्री and its intelligence service also will remain powerful forces
बिहाइंड द सीन्स ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो ये जो हम बात करते हैं कि ये दो ममालिक के दरमियान, दो रियासतों के दरमियान मंसूबा है सी पैक का, इससे किसी एक शख्स के या किसी हुकूमत के चले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और चाइना ने भी अपनी इस कमिटमेंट का इयादा बारहा किया है। और एक और चीज़ जो हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाता है कि जी वज़ीर आज़म साहब ने सैलरी विदड्रॉ नहीं की, इकामा की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो ये इस रिपोर्ट का, इस जजमेंट का पेज नंबर 14 है, इसकी लाइन सामने रखिएगा जिसमें बात की जा रही है इस हवाले से कि व्हेन वी कन्फ्रंटेड द लर्नेड सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1 वेदर द सेड रिस्पोंडेंट हैज़ एवर एक्वायर्ड वर्क परमिट इकामा इन दुबई, रिमेन चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ कैपिटल FZE एंड वॉज इंटाइटल्ड टू सैलरी एज सच, हिज रिप्लाई वॉज इन द अफर्मेटिव विद द ओनली एडिशन दैट रिस्पोंडेंट नंबर 1 नेवर विथड्रू एनी सैलरी। This admission was reiterated in more categorical terms in the written arguments filed by the learned senior advocate Supreme Court for respondent number 1. Yani ye admission रूलिंग फैमिली की तरफ से, नवाज शरीफ साहब के वकील की तरफ से वहाँ पर हो चुका था। और जो दो तीन चीज़ें जो ट्रायल कोर्ट के अंदर भेजी गई हैं वो मज़ीद इन्वेस्टिगेट होनी हैं, जैसे कि ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ये कहती आई है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, और आला अदालत ने, ऑनरेबल जजेस ने कहा था कि नाअहली के लिए क्योंकि पिटीशन उनके सामने गई थी तो वो जो नाअहली का नुक्ता है उस पर ज़रूर गौर करेंगे। और उन्हीं तमाम चीज़ों के अंदर जो नाअहली की बुनियाद बनता है तो वो ये दो तीन मामलात हैं जिसका एडमिशन ख़ुद शरीफ ख़ानदान और नवाज शरीफ साहब के वकील की तरफ से किया गया है। बहरहाल इस पर मज़ीद भी बात करते हैं। पहले मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ, मुझे इस्लामाबाद में डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, MNA हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ सैयद नवीद कमर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, MNA हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करते हैं, अभी तक क्यों समझ नहीं आ पा रहा शरीफ ख़ानदान को, खसूसन नवाज शरीफ साहब को, कि क्यों उनको नाअहल करार दिया गया है, क्यों ताहयात नाअहली उनके सामने आई है? और बारहा ये जो अवाम की अदालत की बात की जाती है, आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ने लगा है? क्यों डाइवर्ट किया जा रहा है एक लीगल प्रोसेस को सियासी प्रोसेस बनाकर पेश करने की कोशिश? मेरा ख्याल है ये अवाम की कंजम्पशन के लिए बात कर रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, इन्होंने, जजेस ने भी इस बात को जब इन्होंने पहले कहा था, इन्होंने ये भी कहा कि हम GIT के पास गए तो हमने GIT से सवाल किया कि हमारे पास इल्ज़ाम किया है, तो पूरा एक सेशन जजेस का ये था कि इनको समझाया, जानते हैं, डिफेंड कर रहे हैं जो एक्यूजेशन हैं। जजेस ने बार बार इनको समझाया कि जनाब आपके गल्फ स्टील के एतबार से आपके पास पैसा नहीं था, वन एक्यूजेशन गल्फ स्टील, आपने अपने वालिद साहब को भी आप उसमें ले आए हैं जो ज़रूरत नहीं थी, मगर इन्होंने कहा कि वहाँ से हम सिलसिला जोड़ेंगे। उन्होंने कहा जी आपके पास पैसे नहीं थे, कतरी इन्वेस्टमेंट की कहानी जो कतरी लेटर था वो कहानी तो खुद ही इन्होंने विड्रॉ कर ली, बिकॉज चंद आखिरी पेशियों के अंदर इनके वकील ने ये कहा कि फ़र्ज़ कीजिए, और वो फ़र्ज़ करा रहे थे कोर्ट को कि जी खतरी नहीं है, तो ये इनके अब्बा जी ने अपने पोतों को डायरेक्टली ख़रीद कर दे दिया था 93 में, तो लिहाजा ये कोर्ट को ये भी बता गए कि फ़र्ज़ कीजिए खतरी नहीं है तो ये भी ऑप्शन है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ऐसे मुकदमे नहीं होते, तो इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। जजेस ने आखिरी पेशी में कहा कि खुदा के वास्ते कोई कागज़ दे दो, हम चाहते हैं कि तुम्हें, हाँ आप कोई चीज़ बता दें, आपकी प्रॉपर्टी है, हिसाबात नहीं मांग रहे, आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स तो होंगे। और एक होता है बैंक में वील ऑफ सीक्रेसी, यानी मिसाल के तौर पर आप वीज़ा लेने जाएं किसी भी अमेरिका का, बरतानिया का, तो वो आपसे कहेंगे अपने बैंक अकाउंट सबमिट कर दो। अच्छा मैं जाऊँगा आपके बैंक के पास तो बैंक नहीं देगा, आप जाएंगी वो आपको लिख कर दे देगा, है ना? तो आपने वील ऑफ सीक्रेसी अपनी मर्जी से उठवा दिया। तो अगर ये ऑफशोर कंपनीज पर कतरी ने खरीदी ना, चलो मान लेता हूं मैं दो मिनट के लिए, कतरी ने अगर खरीदी तो व्हील ऑफ सीक्रेसी वो हटाता और दिखा देता कि भाई फलानी कंपनी से जब हमने खरीदा इससे इतने में खरीदा, इससे इतने में खरीदा, वो भी नहीं था। लिहाजा इनको तो आखिर के अंदर चार्जशीट फिर किया गया ना, इनको अकामा के ऊपर किया गया, और अकामा के अंदर दो तीन बातें हैं जो आप समझ लीजिए, ये इतनी हल्की चीज नहीं है कि आप कहें कि तनख्वाह नहीं ली उनको नाअहल करार दे दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ इकामा के अंदर जब आप ये कंपनी बनाते हैं ना, आपको इकामा जब तक नहीं मिलेगा जब आप तक कंपनी रजिस्टर नहीं करेंगे। अच्छा कंपनी आपने क्यों रजिस्टर की, ये वीजा के लिए नहीं की, कंपनी इसलिए रजिस्टर की कि आप प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे, तो इकामा जरूरी है, पहले कंपनी बनाएंगे फिर इकामा मिलेगा फिर बैंक अकाउंट खुलेगा। और वो एडमिशन भी अच्छा, आ गया ना, FZE का भी एडमिशन आ गया उनके अपने वकील। अच्छा नहीं, सुने इसकी लिंक सुने, अब जैसे ये अंडे बच्चे निकले हैं GIT के अंदर,
अब इस इकामा तक तो ये जेआईटी निकाली ना, हमने तो नहीं निकाला था, हमें तो पता भी नहीं था। अब इस इकामा के साथ कोई बैंक अकाउंट लिंक्ड होगा, क्योंकि कानूनन वो कंपनी इनको जब सैलरी दे रही थी तो इनके बैंक में जरूर गया है। अब उससे और परेशानियां निकलेंगी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि तो पूरी लिस्ट उन्होंने दी कि रेफरेंसेस खोलो, इसके खोलो, उसके खोलो, अल अजीजिया का खोलो, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का खोलो, हिल मेटल्स का खोलो, 15 कंपनी जो तुमने बनाई है टोपी ड्रामा के लिए उसका खोलो, गल्फ स्टील का खोलो, फोर्जरी फ्रॉड का खोलो है, और ये नंबर 10 जो है हुदैबिया वाले इसहाक डार साहब, तो हुदैबिया के हवाले से भी वो खुलेगा। अभी सारे रेफरेंसेज जब खुलेंगे तो ये चाहते हैं कि पब्लिक को, अभी ये कहते रहे कि जी हमें खुद नहीं पता, हमें तो खुद नहीं पता। और आज जो चेयरमैन है की जेर सदारत इजलास भी हुआ है, तो इसमें रेफरेंसेज के हवाले से फैसला भी कर लिया गया है जो कि दायर करने हैं, और ऑनरेबल जज ने, ऑनरेबल बेंच ने पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रखी है कि इसको ओवरसी करने के लिए जो है वो एक जज होने चाहिए जो सुपरवाइज करें ये जो तमाम कार्रवाई होती है। मजीद बात करते हैं, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, नवीद कमर साहब से बात करेंगे और डॉक्टर और जनरल अमजद शुएब साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस अंदाज में इस पूरे इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की तरफ से थ्रू प्रेसर्स, या जो बयानात उनके आ रहे हैं कि पैनमा करप्शन कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सैलरी विदड्रॉ ना करने पर जनाब हमें नाअहल करार दे दिया गया है। नवीद कमर साहब से बात करेंगे, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। नवीद कमर साहब, एक तो आपके भी आज कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज जो खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि ये तमाम नाअहली जो हुई है नवाज शरीफ साहब की, इसमें 70% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाथ है और क्रेडिट जाता है तो जमात इस्लामी को, पीटीआई ने कुछ नहीं किया। नहीं, 70% मतलब हम तो पूरा तो नहीं, जो कि किसी से भी ये ग्लोरी शेयर नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन मतलब ये कि हर स्टेज पे देखिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी अपोजिशन में, उन सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है, किसी ने किसी तरीके से किया, किसी हमारा एम्फेसिस था कि इसको पार्लियामेंट में ही रिजॉल्व करना चाहिए, वी डिडंट गो टू द सुप्रीम कोर्ट, यही जो वरना तो 100% हम कहते हैं इनको कुछ भी नहीं देते। लेकिन मकसद ये है कि ऑब्जेक्टिव सबका एक था कि ये जो करप्शन की एक दास्तान निकल रही है उसको किस तरह से सामने लाया जाए, उसमें वो जमात इस्लामी या शेख रशीद इसलिए कह रहे हैं कि दे वर आल्सो पिटिशनर्स अलोंग विद इमरान खान, तो सब लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। अब मैं परसेंटेज पे तो डेफिनेटली नहीं कहूँगा, लेकिन जब इकट्ठे हुए तो प्रेशर जो है सही, तो अब वो इसमें वजीर आजम की नामजदगी के हवाले से इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे हैं, मुत्तफिका उम्मीदवार क्यों नहीं ला पा रहे हैं? आज भी खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि बड़ी जल्दी में, बड़ी उजलत में शेख रशीद का नाम ले आए पीटीआई वाले। बस वो मेरा ख्याल है कि एक तरीके से मिसहैंडलिंग हुई है, क्योंकि ये सारी भी चीज़ें होती हैं मशावरत से, इतनी सारी पार्टीज हैं उनको साथ लेके चलना जो है वो वैसे भी इतना आसान नहीं होता, इतने सारे व्यू पॉइंट्स, तो उसको बड़ा केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। जब ऑल ऑफ अ सडन ये एक नाम फ्लोट हो गया तो उसके बाद हर एक के गार्ड्स जो हैं वो ऊपर हो रहे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, इश्यूज जो भी थे हर एक का, कुछ पार्टीज़ के पीटीआई पे एतराज़ थे, कुछ पार्टीज के इस पे थे कि भाई पहले क्यों अनाउंस किया हमसे, तो कल आपको लगता है कि कोई फैसला हो जाएगा मुत्तफिका उम्मीदवार का या फिर सब अपने अपने कैंडिडेट्स? हतल इम्कान कोशिश करेंगे कि एक हो, क्योंकि अगर एक नहीं है तो बड़ा गलत सिग्नल जाता है, गलत सिग्नल जाता है। ठीक है, मैं जनरल साहब आपकी जानेब आती हूँ, बहुत सारी चीज़ें अगर देखें इस केस के हवाले से, इसके आउटकम के बाद से
जो चीज़ें शुरू हुई हैं, एक तरफ नवाज शरीफ साहब कहते हैं उन्हें अभी तक अपना कसूर नहीं पता, गलत नाहली हो गई उनकी, गलत उनको सज़ा दे दी गई, दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने वज़ीर आज़म बनना है, पंजाब किसके हवाले करते हैं वो भी एक अपनी जगह सवाल मौजूद है। लेकिन ये तमाम सिचुएशन के अंदर आपको क्या लगता है कि जो अवाम को मैसेज जाना चाहिए था जुडिशरी के हवाले से, जीआईटी के मेम्बरान के हवाले से, जिनको कल आरिफ अलवी साहब इनकी जमात जो है वो सल्यूट भी कर रहे थे, वो कहीं गायब करने की कोशिश की जा रही है नवाज शरीफ साहब से, उनके ख़ानदान की तरफ से, और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि सैलरी ना लेने पर इनको नाअहल करार दे दिया गया। आपको लग रहा है इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है जो इस वक्त नैरेटिव वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए सर, ये मसला ये है कि जो नून लीग की स्ट्रेटजी है वो सिंपथी गैदर करने के लिए वो हर बार एक उन्होंने प्लान बनाई है, बट इज़ इट वर्किंग? वो जब तक अवाम में अवेयरनेस ना क्रिएट की जाए कि असल किस्सा है क्या, तो लोग तो मेरा ख्याल है कि वो दे'ल स्टार्ट बाइंग देयर नैरेटिव। वो हो जाता है क्योंकि बार बार आप एक ही चीज़ कह रहे हैं, आप अपने आप को मजलूम पेश कर रहे हैं कि जी आपके साथ ज़्यादती भी, जुल्म हुआ सिर्फ सैलरी ड्रॉने की। फैक्चुअल पोजीशन ये है कि सैलरी एक अकाउंट में जाती रही है जो मियाँ साहब का अपना अकाउंट है। अब चूंकि कई अकाउंट हैं, पैसा भी बेतहाशा है, तो आपने अगर उसमें से नहीं खर्च किया निकाल के, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि सैलरी ड्रॉ नहीं की। आपका एसेट तो बिल्डअप हुआ ना, तो ये चीज थोड़ी क्लैरिफाई भी कर दें, क्योंकि ये नुक्ता जो आप कह रहे हैं वो कहते हैं कि जी सैलरी इन्होंने कभी नहीं ली। अब ये सफा नंबर 7 है इस जजमेंट का, जिसमें उन्होंने हवाला दिया है जो यूएई के अंदर रूल्स हैं उसका, कि दैट द रिस्पोंडेंट डिनाइड विदड्रॉल ऑफ सैलरी बट पेमेंट ऑफ सैलरीज टू ऑल एम्प्लॉयज इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द वेज प्रोटेक्शन सिस्टम अंडर मिनिस्टीरियल रेजोल्यूशन नंबर 788 फॉर 2009 ऑन वेज प्रोटेक्शन यूज बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड रूल्स 116 एंड 117 ऑफ द जबल अली फ्री जोन रूल्स। यानी वहां पे तो ये ऑप्शन ही नहीं है कि आप ना लें, वो इलेक्ट्रॉनिकली वो खुद खुद क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, सैलरी मिल रही है, इसलिए वो कहना कि जी ये कभी ड्रॉ नहीं की, मैं समझता हूँ क्योंकि वो टोटली डिपेंडेंट सिर्फ इस सैलरी पे नहीं थे कि इसको ड्रॉ करते, तो वो इस वजह से एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है जो गलत है। और दूसरी तरफ चीज़ ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आप इस केस को पूरे को स्टडी करें, तो पहले जब जजमेंट आई थी दो जजेस का लिखा था, उस वक्त तो ओकामा का किस्सा नहीं था, तो जो मैं समझता हूँ क्यूमुलेटिव इफेक्ट है पूरा, जिसकी बुनियाद पर 621F इस्तेमाल हुआ, क्योंकि लगातार झूठ बोले गए, ठीक है, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स सामने लाई गई, और जालसाजियां जो के बाद में जफर एजाजी के शक्ल में भी सामने आई। तो जब आप एक पूरा देखते हैं, तो फिर उसके बाद ये कहना कि सिर्फ इसकी वजह से है, मैं समझता हूँ ये एक ज्यादती है आप अपने अवाम के साथ। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर हम चार लोग, पाँच लोग, अगर एक दोस्त अहबाब है सोसाइटी में, हमें पता लग जाए कि हमारे अंदर एक जालसाज है तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे, हमें पता लग जाए कि हमारे अंदर एक झूठा और फ्रॉडी आदमी है तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे, चाहे जाए कि पूरा मुल्क उसके हवाले किया हो, तो आप उसको नाहल ना करेंगे तो और क्या करेंगे? इससे बड़ी आपके पास अमानत है कि इस मुल्क से बढ़ के आगे, ठीक है, आपने इलेक्शन में अगर किसी को वोट दिया, इलेक्ट कर लिया, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आपने उसको सर्टिफिकेट दे दिया, लाइसेंस दे दिया कि अब तो जो मर्जी जालसाजियां करता है। तो ये चीज अवाम को समझनी चाहिए, उधर तवज्जो नहीं है, as you said that people are still buying that narrative, वो इसी वजह से कि आप एक नैरेटिव को धड़ाधड़ उसी को रिपीट किए जा रहे हैं, बार-बार लोगों के ज़हनों में डाल रहे हैं। नबी तुमर सब, यू वांटेड टू से समथिंग? हां, मेरा ख्याल है कि ये पूरी जो चीज है, इन्होंने अपनी इवन लीगल केस जो है वो भी पॉलिटिकली लड़ा है, बजाय इसके कि अपने लॉयर्स को लीगैलिटीज पे लेके जाते हैं। जितना भी कमज़ोर भी केस होता है, तब भी लॉयर जो है वो अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स जो देता है, वो जो वो समझता है कि ये सही हैं वो प्रेजेंट करता है, उसमें कुछ ना कुछ बचत हो जाती है। यहाँ क्योंकि पूरा एम्फेसिस ये था कि हम अपनी बेस कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या मैसेजिंग कर रहे हैं, तो वो वहाँ खेलते रहे और इस पे नहीं सोचा कि कल ये जो हमें स्ट्राइक डाउन करेगी पूरी चीज़, तो फिर हमारे अवाम क्या सोचेंगे। ये एक और गलती करने जा रहे हैं, वो ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू में जाएंगे जी। अब मेरे हिसाब से तो जज साहिबान ने बहुत मेहरबानी इनके ऊपर की है, और इतना एक सॉफ्ट चार्ज जो है उसको इस्तेमाल करके इनको डिस्क्वालीफाई किया है। बाकी सारे जो भी इनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो इल्जामात लगे हैं,
जिसका जीआईटी में जिक्र है वो सब इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और 14 तो जो रेफरेंस है ना, तो है नहीं सुप्रीम कोर्ट, वो तो जाना ही जाना ट्रायल कोर्ट में था इन एनी केस, वो जो इन्वेस्टिगेशन होनी है वो 14 जो रेफरेंस हैं वो तो हैं, वो है, तो जो भी जितने में टाइम लगेगा स्टार्टिंग फ्रॉम हुदैबिया एंड ऑल द वे डाउन कि इनके पास कोई मनी ट्रेल नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन इधर भी अगर वो रिव्यू में वो और सख्त बातें करते हैं कि जी आपने फेक डॉक्यूमेंट्स दिए फॉर एग्जांपल, या आपने कई और जगहों पे गलत बयानी की, 50 और चीज़ें थी जो कि सारी केस में बहुत बनती थी, जो कि पब्लिकली जो क्लोजली फॉलो कर रहे थे इस सारी चीज़ को उनको नज़र आ रही थी। तो मेरा ख्याल है कि रिव्यू में जाना भी जो है जिसने भी इनको एडवाइस दिया है वो भी बेवकूफ़ी है इनकी। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि आज जाहिद हुसैन साहब ने डॉन में इसी हवाले से लिखा भी है, ख्वाजा साद रफीक ने कहा एक शरीफ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आ जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा आ जाएगा। तो वो तो कहते हैं एक लाइन उनकी कि द इंग्लोरियस एग्जिट ऑफ नवाज शरीफ मे हैव कम एज अ सीरियस ब्लो टू द कंट्रीज मोस्ट पावरफुल पोलिटिकल डायनेस्टी। डू यू ऑल्सो थिंक सो? वाकई लगता है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे फर्क पड़ेगा कि अगर आज से आप 40-50 साल पीछे जाएं तो हमारे घरों में जो पुराने मुलाजिम होते थे, जो मुतवस्सित तबका या बड़ा अशराफिया थी, उनके यहाँ जो मुलाजिम होते थे वो कहते थे कि मैं भी जान दूंगा आपके लिए, मेरी औलाद भी आपके लिए, जहाँ के कोई ताल्लुक नहीं, ना मोहब्बत का तो एक आदमी से तो हो सकता है मगर ये कि ये औलाद भी देगी। तो ये गुलामाना जहनीत है कि नहीं हम इस डायनेस्टी को फॉलो करेंगे, ये नहीं तो शरीफ, उसके नीचे बाद भी दूसरा शरीफ, फिर चौथा शरीफ, फिर पाँचवा शरीफ। ये किंग अब्दुल अजीज़ जो था सऊदी अरब का, उसने इसी एतबार से मेरे ख्याल से 70-80 औलादें उसने की कि ताकि उसकी डायनेस्टी चले। ठीक है, तो ये डायनेस्टी जमहूरियत के साथ चलती नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने ये बात कही, मगर दो तीन चीज़ों पर मैं इधर पॉइंट आउट कर दूं कि ये कहते हैं कि सैलरी ना लेने पर हुआ, ये गलत है। आपने भी फरमाया कि सैलरी ना लेने पर उनकी तरफ से उनकी उनकी तरफ से नैरेटिव ये बयान करने की कोशिश की जा रही है कि एक सैलरी मिल रही थी, हमने नहीं ली, हमें ना कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने बार बार सुना होगा सैलरी गई है अकाउंट, बिल्कुल, और जिस दिन वो अकाउंट खुलेगा तो आपको एक और ताज्जुब होगा। मैं ये कहता हूँ कि मामला सुप्रीम कोर्ट से चला, सुप्रीम कोर्ट में एक आजाद देकर किस्सा खत्म कर सकते थे ही नहीं, फिर ये जीआईटी में गया, फिर मजीद बहुत सारी चीजें निकल आई। अब ये जब रेफरेंसेस में जाएगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि टोटली ये फैमिली इस एतबार से वाइप आउट होगी, इस माना करके सियासी एतबार से कि इनकी बहुत सारी चीजें निकल आएंगी। दूसरी बात मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि पीपल आर नॉट बाइंग इट, पीपल नहीं खरीदेंगे। इतने कोई एक साल से मुसलसल सब ये कह रहे हैं कि भाई कोई तो कागज ले आओ, किसी ओनरशिप का हिसाब नहीं मांग रहे, मिल्कियत का कागज, मिल्कियत का कागज एक सफे का होता है। मैं चैलेंज करता हूं जिस बिल्डिंग में आप किराए पर है, आपकी चैनल किराए पर है, उसका भी एक कागज होगा है? तो मिल्कियत का कागज तो आदमी जनरेशन तक ले जाता है, जिस जमीनों के मालिक हैं इनका खानदान मिल्कियत का कागज जनरेशन से होगा। तो ये कहना कि जी हमारे पास कागज नहीं है तो यही सबसे बड़ा झूठ है जो पकड़ा गया। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इकामे के अंदर एक और झूठ है बहुत बड़ा जिसकी मुझे खास तौर पर तकलीफ है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क में भी झूठ बोलता है कि मैं मार्केटिंग मैनेजर हूं। मतलब ये शर्म की बात है, ये समझ में नहीं आने वाली बात है। लिहाजा मुझे मेरे दोस्तों ने बाद में बताया, मुझे खुद नहीं मालूम था, मैं तो समझा इकामा जो है वो वीजा के तौर पर है, वीजा लेने के लिए चलो कभी आदमी कोई मिस्टेट कर देता है, कोई हम ये यूके का या इधर उधर वीजा लेने जाते हैं तो लोग अपनी इनकम को बढ़ाकर दे देते हैं, तो मैं तो समझा था ये है। मगर उसकी जो इम्प्लीकेशन पड़ी कि वही सोर्स बनेगा प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ का भी। प्रोटेक्शन का कैसे कि जब आप स्विट्जरलैंड में इनका कुछ होगा तो दे विल बी कॉल्ड रेजिडेंट ऑफ यूएई, देयरफॉर नो कोई इंफॉर्मेशन स्विट्जरलैंड से नहीं मिलेगी, कोई इदारा जो है उसके लिए नहीं लिख सकता। और ये जो इसहाक डार ने ये साइन किया था जिसके मुताबिक ये कह रहा था जा रहा था कि 2018 से हमें सारी डिटेल्स मिलेंगी, उसमें इन सब इकामा वालों की कोई डिटेल नहीं मिलेगी पाकिस्तान को, लिहाजा दुबई के अंदर जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उसकी कोई डिटेल इनको नहीं मिलनी क्योंकि हर एक ने इस अंदाज से इन्वेस्ट किया होगा। तो यही वो वजह थी जो नवाज शरीफ साहब मार्केटिंग मैनेजर झूठ बोला इकामे के लिए, कोई चीज है यार, किसी ने बड़ा अच्छा कहा यार 7,000 रुपए में, यानी अगर आप दुबई वो किसी एयरलाइन का टिकट लें वो 5,000-6,000 रुपए में आपको वीजा दे देगा, तो ये वीजा वाला इशू नहीं है।
ठीक है, ये इकामा वाला है ताकि जायदादों को प्रोटेक्ट किया जा सके। सही, मैं जनरल साहब आपकी जानब आऊंगी क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से इसको यहाँ पर, मैंने तो जाहिद हुसैन साहब का हवाला दिया, उनके आर्टिकल का हवाला दिया, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके आने से पहले बता रही थी, गल्फ न्यूज़ में लिखी गई हैं, वॉशिंगटन पोस्ट में लिखी गई हैं, इस चीज़ को बाहर किस तरीके से देखा जा रहा है, माइलस्टोन करार दे रहे हैं कि जनाब इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए बड़ा अच्छा हुआ है, एक उनकी तरफ से जो स्टेप उठाया गया है। फिर दूसरी चीज़ के ये कहते हैं कि जनाब ये कंट्री को रिफॉर्म करने के लिए एक लंबे सफ़र में पहला कदम है। आपको लगता है कि वाकई ये आगाज़ हो गया है और करप्शन फ्री पाकिस्तान जो तमाम लोग बात करते हैं कि होना चाहिए, तमाम लोग जिनका एहतसाब जो आते हैं इस दायरे के अंदर उनका हो, आपको लगता है कि उनकी जाने बात जाएगी? देखिए, ये मैं नहीं समझता कि ये हुआ है, कदम तो नहीं, इसको एक बहुत बड़ी लीप है, बहुत बड़ा है। कदम उस लिहाज से कह सकते हैं, लेकिन जो एहतसाब का निज़ाम है वो चूँकि मफलूज है, तो इस वजह से यहाँ पे ये सिस्टम शुरू नहीं हो सकेगा। सिस्टम में हमारे जो रेफरेंसेस हैं वो जनरेट होते हैं, हुकूमत करती है रेफरेंसेस दायर करती है और वो नैब को हवाले होते हैं और फिर नैब आगे प्रोसेस करती है। अब अगर नैब इस काबिल नहीं रहा और हुकूमत की ख्वाहिश नहीं कि वो को रेफरेंसेस दायर करें, तो फिर आप कैसे करेंगे? इन्होंने जब टेक ओवर किया था या जब इलेक्शन जीत के आए नून लीग, तो इन्होंने हमें बड़ी उम्मीद दिलाई थी, कहा था कि जी हम करप्शन ख़त्म करेंगे, और आपको याद होगा जरदारी साहब को और पता नहीं किस किस का नाम लेके कहते थे, और ये भी कहा जाता था कि 200 अरब डॉलर जो स्विस बैंकों में पड़ा है वो भी आएगा, तो कोई इन्होंने एक भी कदम उठाया? ये 4.5 साल पैसा लाएंगे, कोई भी इन्होंने किसी का तो कुछ नहीं किया। तो अक्सर लोग कह रहे हैं ना कि उस टाइम अब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे, वजीर आजम बन जाएंगे तो शायद वो फिर पेट फाड़ के पैसा वापस ले आएंगे, ये होगा नहीं। जो आप देखें, जो अदारे हैं जिन्होंने ये काम करना है, इन्वेस्टिगेट करना, आप FIA ले लें, नैब ले लें, आप FBR देख लें, ये अदारे खूब तबाह किए गए हैं। यहाँ पे SECP में जिस तरह आपने देखा कि जफर जाजी का कॉन्ट्रैक्ट देख लें, क्या दूसरे जो हैं वो उनसे बरी जिम्मा हो गए? और आपने डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक में बैठा रखा उस सईद को, जो आदमी यानी ना बैंकर है ना कुछ है, और फिर एक ब्रिटिश सिटीजन है, एक ओल्ड होम का मुलाजिम था, वहाँ से उठ के यहाँ आके आपने अब उसको प्रेजिडेंट बना दिया, वो आपने नेशनल बैंक का, जो आपका कौमी ख़जाना है उसमें बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं, बहुत सारे अदारों के अपने अखराज होते हैं जो आप पब्लिक नहीं करते, वो आपने एक ऐसे आदमी के हवाले किए हुए हैं जो कि सिटीज़न है, ब्रिटिश सिटीज़न है। तो ये तो इन्होंने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की इंतहा कर दी हुई है। ठीक है, यानी ये अगर इन केसेस में चले, एक दफा ये हुकूमतों से हटे, अपने लोगों को रखा, एक दफा हुकूमतों से एक दफा हटे तो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के केसेस इन पे इतने आएंगे और फिर मॉडल टाउन वाला तो लटक ही रहा है। तो ये चीजें जो हैं ये अब इनको फेस करनी है। मैं मॉडल टाउन के हवाले से भी बात करूंगी क्योंकि ताहिरुल कादरी साहब भी अब 8 तारीख को वतन लौट रहे हैं। बट नवीद कमर साहब, ये जो हम पाकिस्तान के इदारों की बात करते हैं, जिस तरह जनरल साहब ने भी जिक्र किया, ये जो की इंस्टीट्यूशंस हैं मुल्क के जिनका काम है एहतसाब करना या जो जो भी उनकी जिम्मेदारियाँ बनती हैं, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद और GIT के अंदर जो मेम्बरान बैठे हुए थे उनके जिस तरीके से कहते हैं ईमानदारी दयानदारी से उन्होंने काम किया है तमाम धमकियों के बावजूद, ये इदारे काम करेंगे? आज भी एक नैब का इजलास हुआ है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उन्होंने आगे बढ़ानी है कार्रवाई। मेरा ख्याल है कि जहां आप एहतसाब को वन ऑफ के हिसाब से देखेंगे तो वो वन ऑफ ही रहता है। सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट फ्रेंकली ये नहीं कर सकती कि हर केस को बैठ के सुपरवाइज करें कि भाई आप देखें कि आपने इस केस में क्या किया, किस में। जब तक इंटरनल रिफॉर्मेशन नहीं होती इंस्टीट्यूशंस की, इंस्टीट्यूशंस को एक तो इस माइंडसेट से निकलना होगा कि हम मुलाजिम हैं जो भी इस वक्त रूल कर रहा है उसके, जब तक वहाँ वो नहीं होगा और उसमें उनका इंडिपेंडेंस ऑफ टेन्योर, उनको वहाँ से हटाने की जो सिक्योरिटी ये वो हो सकता है, सारी दुनिया में होता है, तो हमें भी जब तक के उस चीज़ पर हम नहीं फोकस करेंगे। और इस वक्त जो एक काम चल रहा है, अब पता नहीं हुकूमत उसको किस हद तक सिंसियरली आगे बढ़ाएगी, लेकिन वो सारी इस सारे चीज़ को रिव्यू करने का हो रहा है जो अकाउंटेबिलिटी का नए लॉ के हिसाब से। तो आपने उठा के इधर उधर दूसरे इदारों से लोगों को बिठा दिया तो वो अकाउंटेबिलिटी क्या करेंगे? वो आपकी तो जैसे हिस्टोरिकली हमारे यहाँ होता है कि आपकी जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं
उसको तो पूरा कर सकते हैं, सही है, लेकिन जेन्युइन अकाउंटेबिलिटी, और ये जनरल साहब सही बात की, व्हाई शुड द गवर्नमेंट फाइल अ रेफरेंस, चाहे सूबाई हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, रेफरेंस तो खुद उस इदारे में वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो रेफरेंस बना सके, ठीक है, दो इस वक्त भी वो है कि वो ऑन द ओन भी कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है, करते नहीं है, करना चाहें तो कर सकते हैं वो, तो फिर और जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ होती है तो फिर कहीं ना कहीं कोर्ट से डायरेक्शन आता है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो फिर वो फटाफट उस चीज़ को करना शुरू हो जाते हैं, तो हाँ दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग इट प्रोवाइडेड द बिल इज देयर। अच्छा सर ये बताएं कि आप और खुर्शीद शाह साहब दोनों के कागजात नामजदगी गए हैं जी, तो कल कौन वापस ले रहा है? वो तो सुबह को देखेंगे कि कौन होता है, क्योंकि हमारी जैसे मैंने कहा पहले भी कोशिश ये होगी कि एक जॉइंट कैंडिडेट हो, ठीक है। मैं मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि ये सवाल बहुत सारे लोगों से की जानिब से उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी सियासी जमात अपनी पार्टी के अंदर से कोई उम्मीदवार वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नामजद क्यों नहीं कर पाई, शेख रशीद साहब को ही सामने क्यों लाना पड़ा, और जो पीपल्स पार्टी का भी शिकवा है कि पीटीआई ने मुशावरत नहीं की, उस पर डॉक्टर साहब की राय जानेंगे एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में, एक बार फिर से खुश आमदीद। डॉक्टर साहब वाय शेख रशीद पीटीआई अपनी पार्टी के अंदर से क्यों कोई उम्मीदवार सामने नहीं ला सकी? बिल्कुल, मुझे ज़रा सा मौका दे दें कुछ बातें, पहले इसका जवाब दे दें। अच्छा शेख रशीद साहब, इसका जवाब देखिए, मैं समझता हूँ कि हमने तो अपनी तरफ से ये सोचा कि बजाय इसके कि पार्टीज आपस में कम्पीट करें, एक आदमी जिसने इस मामले को नवाज शरीफ के हकीकत लोगों को बताने में या सुप्रीम कोर्ट में बताने में रोल प्ले किया है, तीन लोग पार्टी कोर्ट में, एक जमात इस्लामी, एक हम सिराजुल हक साहब सेनेट में मौजूद हैं, लिहाजा वो इनएलिजिबल हैं, तो हमने ये सोचा कि अच्छा एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट आदमी अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी के साथ आएगा, तो हमारी टोटल अंडरस्टैंडिंग हमारा ख्याल ये था। वैसे कहते हैं शेख रशीद साहब ने ज्यादा बेहतर मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट किया था, अवामी अंदाज से उन्होंने अवामी अंदाज से बड़ा अच्छा मुकदमा किया, मतलब उनके चुटकुले उनकी बातें मैं समझता हूँ अप्रिशिएट हो जाती हैं। मगर मैं जो दो तीन बातें आपसे करना चाह रहा था, एक तो ये बात हो रही थी, ये जो लोगों को अपॉइंट किया गया मुख्तलिफ जगहों का, स्टेट बैंक का पिछला गवर्नर मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व था, सईद साहब जो जिनका जिक्र इन्होंने किया, एक बाकायदा तो पहले जजमेंट के अंदर ये बाकायदा आई बात के माफिया है, ये माफिया इसी तरह से काम करता है कि हर जगह अपने अपने असरात मुरतब करता है कि कोई जगह से हर जगह से बातें छुपाई जाएं। ये जो SECP के चीफ को हमने बुलाया, आप भी मौजूद थे पब्लिक अकाउंट कमेटी में, मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपके पास कोई मुकदमा है नवाज शरीफ का, उसके ऊपर एक MNA ने बड़ा शोर मचाया, और मैं ये आप भी वाकिफ़ हैं, मगर इन्होंने झूठ बोला, SECP वाले ने, इसने कहा कि नहीं है कोई, मैंने कहा पुराना कोई मुकदमा नहीं, कोई मुकदमा नहीं है, और JIT ने बताया कि दो, तो ये झूठ के जरिए सारी चीज़ों को कवर कर रहे थे। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि JIT ने जो काम किया वो अनोखा इस अंदाज से है कि अगर यानी इसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने सुपरवाइज किया कि इस टाइम फ्रेम के अंदर एविडेंस ले आओ, इस टाइम फ्रेम के अंदर जितना मिला और एक्सलेंट लोगों को उसमें डाला, तो इन्होंने सही फरमाया कि हर की लहरी के लिए JIT ने, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये भी पीपल्स पार्टी भी ये महसूस करती थी कि इलेक्शन में धांधली भी, अगर JIT जब बन जाती तो ये निमट जब भी चले जाते, है ना। मैं समझता हूँ कि वो तहकीकात हम नहीं कर सकते थे, फर्ज कीजिए हम मुकदमा हमने किया ना, फर्ज कीजिए सुप्रीम कोर्ट कहती है, लगता कि ये जो चीजें अब सामने आ गई उस वक्त नहीं आती, हाँ नहीं नहीं आती, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमको कहती कि तुम एविडेंस ले आओ तो हम तो नहीं ला सकते थे, आज कहती एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के एविडेंस लाओ तो जो हम लाए थे उससे ज्यादा तो हम नहीं ला सकते थे, तो ये एक एफिशिएंट JIT के एतबार से। तीसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस मुकदमे के फैसले से एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। देखिए मेरी पार्टी का मौकफ यह है कि अदालती इंसाफ, फिर माशी इंसाफ, जाहिर है आप समझ गए ना, माशी इंसाफ के मेरिट पर चीज़ें हों, और फिर माशरती इंसाफ के माशरे के अंदर जो हम दूसरों को राइट्स नहीं देते, औरतों को राइट्स नहीं देते, ये सब चीज़ों का एलिटिस्ट कैप्चर है, अशराफिया ने कैप्चर किया हुआ है, कानून भी कैप्चर किया हुआ है,
अशराफिया ने कानून के साथ साथ माशी एतबार से भी नौकरियां देना, ये सब कुछ ये भी कैप्चर में है। और माशरती एतबार से जैसे औरतों की तजहीक की जाए तो आपको पार्लियामेंट से नजर आती है वो बातें नीचे तक है। तो हम ये समझते हैं कि जैसे अदालती इंसाफ हुआ ये तो एक सिलसिले की पहली कड़ी है, मगर ये एक जायंट स्टेप है, ये एक स्टेप नहीं है, दिस इज अ जायंट स्टेप। अभी प्रोग्राम से पहले ही मैं ट्विटर देख रही थी तो आप ही के पार्टी के कराची से हैं बल्कि इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने एक तजहीक आमेज बहरहाल ट्वीट जरूर की हुई है, वो भी जरा उनसे पूछ लीजिएगा, देख लीजिएगा। बहरहाल कल थोड़ी तनकीद हुई कि आप लोग यौम तशक्कुर मना रहे थे मुशर्रफ साहब के क्लिप पे, कि जनाब मुशर्रफ साहब का क्लिप चलाने की क्या जरूरत थी, आप तो जमहूरी पार्टी खुद को कहते हैं। मेरे ख्याल से मैंने ट्वीट कर दिया कि चलें मैं अगर इजाजत दें जावेद हाशमी साहब, क्योंकि दोबारा आए मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन जनरल साहब आपको क्या लगता है जावेद हाशमी साहब फिर से मंजरे आम पर आके वही बातें रिपीट कर रहे हैं जो काफी अरसे से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बता रहे हैं? आज उन्होंने बस इतनी बात कर दी कि जनाब मुझे ऑफर थी कि आप इस्तीफा ना दें, पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बना दें, तो इनका क्या मकसद? देखिए मैं हैरान हूँ, जावेद हाशमी का मसला ये है, एक अच्छा पॉलिटिशियन था लेकिन कुछ अपना बैलेंस खो बैठा है, और उसके बाद जब बेबुकत हो गए क्योंकि जो पुरानी पार्टी नून लीग उन्होंने भी नाउन किया, पीटीआई से खुद निकल गए, तो अब वो मेरा ख्याल है कि ये सियासत की गलियों में दरबदर हो रहे हैं, जहाँ अपने लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं कि कुछ उनको कहीं पजीराई हो जाए। तो मेरा ख्याल है उनके लिए बेहतर ये होगा कि बजाय यूँ इंजाम तराशियाँ और इस तरह के खेल करने से वो चुप होकर आराम से कहीं बैठ जाएँ तो शायद उनकी इज्जत बाकी रहे, वरना यह है कि कंट्रोवर्सीज खड़ी करने से उनको कुछ मिलेगा नहीं इस खेल में, क्योंकि अभी जिन जिन चीज़ों पे वो धरने के वक्त से लेके तो जिन चीज़ों पे चल रहे हैं सियासत उनसे उससे बहुत आगे निकल गई है। अब ये जो अदालत का वाकया हुआ है, अब इसमें अदालत की के एक जजमेंट के ऊपर वो अपनी कमेंट्स जो दे रहे हैं उससे यूँ लगता है कि वो नून लीग की लाइन टो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि उनको वहाँ से शायद कोई सिंपथी मिले, लेकिन वो हो नहीं रहा। कुछ खबरें हैं कि ये गए जरूर थे, मैं वही कह रहा हूँ कि अब वो उनको नवाज शरीफ साहब से भी मिलने, वहाँ से भी शायद वो रिस्पॉन्स इनको नहीं मिला जो ये चाह रहे थे। नवाज शरीफ साहब का जो अपनी उनकी प्रॉब्लम है ना बहुत बड़ी, वो ये है कि उनके वो कीना अंदर रखते हैं, जब कभी उनके जेहन से कोई उनकी नजर से गिर जाता है तो फिर बहुत मुश्किल होता है उनके लिए कि उसको वो दोबारा कबूल करें। तो जावेद हाशमी साहब का नाम लेके, शीरी मजारी साहब का नाम लेके उन्होंने वही बातें की हैं कि जनाब ये आए थे हमारे पास, उन्होंने इमरान खान पार्लियामेंट पे हमला कर रहे हैं, अभी भी धरने के वक्त की सियासत में बैठे अपने जहन को चला रहे हैं और उसी से ही इज ट्राइंग टू रीप सम फ्रूट, लेकिन वो उनको मिलेगा नहीं। तो मेरा ख्याल है बेहतर होता उनके लिए कि अगर खामोश रहते तो उससे उनकी अपनी इज्जत एक वकार कायम रहता, अब ये है कि वो अपने आप को बड़ा गिरा गिरा के भी पेश कर रहे हैं लेकिन कबूलियत नहीं है। ठीक है नवीद कमर साहब, अब एक तरफ नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जो अचीव करना था वो कर लिया है, लेकिन ये पहला मरहला है, आगे भी बात बढ़ेगी, गो शहबाज गो का नारा भी कल इस यौम तशक्कुर पे पीटीआई के जलसे के अंदर लगा। जरदारी साहब के हवाले से जो बात हुई तो पीपल्स पार्टी जरदारी साहब उसके लिए फिर तैयार हैं, वो कह रहे हैं अब जरदारी साहब की बारी है, उनके पीछे आऊँगा मैं, इमरान खान साहब कहते हैं। नहीं, जरदारी साहब के लिए पहली दफा ये बातें नहीं की जा रही, लेकिन बड़े अरसे से खामोश थे ना, तो अब नवाज शरीफ साहब जैसे ही हटे हैं तो अब कह रहे हैं अगली बारी जरदारी साहब की है। मैं गुजारिश करूँ, 11 साल तो वो जेल में बैठ के उन्होंने ये सारी बातें सुनी हैं, भुगती हैं, और जेल से बाहर भी चाहे वो किसी भी ऐवान में हो, पीएम हाउस में हो या एसपाउस या प्रेसिडेंसी में हो, ये बातें होती रही हैं। अब कल क्यों किस रेफरेंस से खान साहब को यह है, हम खुद हैरान थे, बल्कि आज हमने पूछा भी हमारे पीटीआई के दोस्तों से कि एक यहाँ हम बैठ के इकट्ठे मशावरत भी कर रहे हैं और वहाँ हम आपसे के जो हैं वो लानत मलामत हमारे ऊपर हो रही है, वो तो करप्शन तो, कहते हैं ना, कहते हैं जरदारी साहब करप्शन, अगर हमारे साथ बैठे क्यों हो, अगर ऐसा ही अच्छा, है नुक्ता ठीक तो, है कि फिर आप ठीक है, फिर आप अपना रास्ता लो हम अपना रास्ता लेते हैं, बात ही नहीं होती, ये सब समझते हैं कि ये पॉलिटिक्स है। जाहिर है वो आगे इलेक्शंस में जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि एक तरफ तो नवाज शरीफ से उनका मुकाबला होगा, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी से होगा, तो वो जाहिर है दोनों साइड्स को वेट करना चाह रहे हैं, तो दैट वो उनकी जवाबदीद है, उनकी मर्जी है। मेरे हिसाब से इट इज़ बैड पॉलिटिक्स के टू टेक ऑन ऑल ऑफ योर अपोनेंट्स एट द सेम टाइम, बट वो उन्होंने सोच समझ के ही बात की होगी तभी ये बात है। ठीक है, खासकर जब हम मैं जिसको खासकर जब हम मशावरत के लिए बैठ रहे हैं
और वो यानी टाइमिंग पे एतराज जरूर है कि एक तरफ आप बैठ रहे हैं, एतराज तो सारे हवा में क्रिटिसाइज करेंगे तो हमें एतराज होगा ही, बट पॉलिटिक्स भी तो गलत है ना। ये तो आप कह रहे हैं इस बैड पॉलिटिक्स जनरल सब कुछ कहना, मैं इसमें ये ऐड करना चाह रहा था कि मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का रिएक्शन इसमें दुरुस्त नहीं है। अच्छा, जिस तरह नून लीग रिएक्ट कर रही है, हालांकि केस नवाज शरीफ की जात पे था, उनकी फैमिली का किस्सा था, अक्सर हजरात को उसका नहीं पता कि वो किस तरह डील करते रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे या नहीं करते रहे, लेकिन मैदान में आके वो बचाते रहे। इसी तरह जरदारी साहब की अगर अपनी जात पे कोई ऐसा हर्फ है तो उसको पीपल्स पार्टी के ऊपर नहीं लेना चाहिए कि पीपल्स पार्टी के ऊपर किसी ने उंगली उठा दी और हमें उस तरह रिएक्ट करना चाहिए। ये जाती मामलात में कोई किस तरह करते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। आप बैठे, मैं नवीद कमर साहब से या किसी से पीपल्स पार्टी के किसी भी शख्स से मैं पूछूं कि आप अपनी जात के अलावा किसी और की कसम खा सकते हैं कि उसने आप आइडियल सिचुएशन बता रहे हैं ना, लेकिन दूसरी तरफ मेरी सजेशन होगी पीटीआई के लिए कि आप ब्राय मेहरबानी, अगर आपका रुख अगर वाकई यह है कि करप्शन ख़त्म हो, तो ये जीआईटी मौजूद थी, एक ने काम किया, सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ है डॉक्टर आसम वाला, जहाँ उनकी ECL के ऊपर बहस जारी है, उस पर कोशिश करें कि जी उसकी एक जीआईटी बन जाए और जीआईटी जो है वो प्रोब कर ले उस केस को, क्योंकि वो नैब ने बड़ा ख़राब किया हुआ केस, और उसी केस की वजह से सिंध में नैब के ऑर्डिनेंसेज वगैरह जो है उनको रिपील करके तो नए कवानीन की तरफ आया जा रहा है। करप्शन में अगर थोड़ी सी भी हम सीरियस हो जाएं और सिंसियर हों कि इसको ख़त्म करना है, तो मेरा ख्याल है अगर 2-3 बड़े केसेस भी अगर हैंडल हो जाएं तो कहीं आपका किबला सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी गुजारिश ये होगी कि PTI अगर आपके पास गन्स हैं तो उनका रुख डॉक्टर आसम के केस की तरफ ले जाएं, अयान अली के केस की तरफ ले जाएं, जवाब लेने दें, बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी कि जी इट इज बैड पॉलिटिक्स कि फिर बैठे क्यों हैं हमारे साथ आप, अगर आपने एक दिन पहले जलसे के अंदर जरदारी साहब का नाम लेके क्रिटिसाइज करना है और फिर अगले ही दिन मैं समझता हूँ कि इस बात पर आप कन्विंस्ड रहिए कि बहुत सारे लोग कोशिश करते होंगे, PTI जो करप्शन के खिलाफ कोशिश कर रही है उसमें PTI ये समझती है कि सब का एहतसाब ज़रूरी है, कौम एक्सपेक्ट करती है सब का एहतसाब हो, इंक्लूडिंग अगर PTI के लोग कहीं इन्वॉल्व हैं उनका भी हो, ये हमारा पोजीशन है। इमरान खान साहब ने कल ये कह दिया कि अगर मेरे उस मनी ट्रेल के अंदर एज फार एज हिज अपार्टमेंट एंड ये चीज़ कंस बनी गाला तो मैं खुद सियासत छोड़ दूँगा। अच्छा, इतने बड़े स्टेटमेंट के बाद फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो ये मुनासिब नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये कि आम फहम एतबार से है ना, आइकॉन्स ऑफ करप्शन मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ साहब के ऊपर हम हमला करते रहे कि ये है ये है ये है, जरदारी साहब के ऊपर भी बड़े बहुत सारे इल्ज़ाम हैं। दो, तीसरे ये कि हम ये भी जानते हैं कि जरदारी साहब ने प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी लेकर अपने एक प्राइम मिनिस्टर को भी सैक्रिफाइस किया, मगर खत जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो नहीं निकला। तो मैं तो समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को ये कहना चाहिए, ये कहना चाहिए, जो निकला तो वो आप जानते हैं, मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी को ये कहना चाहिए कि भाई जो कुछ करना है तुमने कर लो, और ये सही कह रहे हैं कि 11 साल हो गए है ना, तो इनको तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो कुछ करना है करो, क्योंकि इनको भी ये कहना चाहिए कि जी भुट्टो साहब, जुल्फकार अली भुट्टो साहब वाज नॉट अ करप्ट पर्सन, बेनजीर भुट्टो की क़यादत कितनी अच्छी रही, उस एतबार से अगर पार्टी का एक के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है तो इनको तो खुद कहना चाहिए कि करो जो कुछ करना है। देखिए बात ये नहीं है, पीपल्स पार्टी भी ये कहती है, बल्कि आज मैं सिर्फ एक बात मुकम्मल कर लूं, आपने कहा टेकिंग ऑन ऑल द अपोनेंट्स एट द सेम टाइम, मैं समझता हूं पाकिस्तान की सियासत में करप्ट लोगों को कभी सजा नहीं मिली, एडमिरल मंसूर लॉक वाज वन सिंगल पर्सन जिसको सजा बाकी और करप्शन है, लेकिन ये मेरा प्रिंसिपल आपका एक असली मौका है। देखिए बात ये है कि उस पे ना पीपल्स पार्टी को एतराज है और हम बार बार भी कहते हैं इवन एट द हाईएस्ट लेवल के सबका एहतसाब होना चाहिए। जब आप पॉइंट आउट करके कि गन्स किसी के तरफ ऐसे इनके यहाँ भी ATMs हैं और दूसरी कई चीजें कहलाती हैं, तो उनके केसेस हैं, तो भाई नेम आप सिर्फ हमारे ऊपर करते हैं और बिल्कुल उनके केसेस पे पर्दा डाल रहे हैं, ये आपको चाहिए कि आप इनके केसेस ले जाएं कोर्ट में, ये भी ले जाएं, बड़ी अच्छी बात है। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।